कल लाइव में आप सब पूछ रहे थे ना कि सिम्बा ब्राउनी कहाँ है, तो ये रही सिम्बा ब्राउनी। ब्राउनी ब्राउनी सबको हाय कह दे। हाय। वो रहा सिम्बा। सिम्बा आई सिम्बा सिम्बरी इधर इधर आ दिखली इधर आचो आचो उली बावली उली बावली उली बावली उली बावली चिंबुली चिंबुली Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog. कल आप लोगों ने देखा था कल वाले vlog में कि रात को हम लोग निकले थे, लुलू गए थे और मुझे actually baking के लिए कुछ कुछ चाहिए था तो वो लाने गई थी। मुझे actually वहाँ पे ना सब कुछ मिला भी नहीं, वो paper mold नहीं मिला था, फिर कप केक के लिए भी एक जो paper वाला mold आता है वो नहीं मिला था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कारफोर में जाके ढूंढूंगी। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि लुलू में ऐसा नहीं मिलता, शायद मेरे घर के पास जो लुलू है वहाँ पे नहीं मिलता होगा या फिर उनके पास अभी स्टॉक नहीं है, देखते हैं। अभी कारफोर में जाके ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो तो मैं बाद में भी जा सकती हूँ या फिर उसको स्किप भी कर सकती हूँ। मेरे पास है बेकिंग टिन, उसमें मैं बेक कर लूँगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना, मैंने जो केक बनाने के लिए सोचा है उसके लिए मुझे ऑरेंज जूस लाना था, जो कि मैं लाना भूल गई हूँ। तो अभी मैं वही जा रही हूँ, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। ये ऑरेंज जूस अगर मैं कल ही लेके आती ना तो मैं अभी उसको सोक करके रख सकती थी रेजिन्स को। अभी मुझे फिर से जाना पड़ रहा है, मेरी ये भूलने की बीमारी। जूस लेके तो मैं आ गई हूँ, लेकिन जैसे मैं बोल रही थी कि मेरे भूलने के वजह से ना गड़बड़ हो जाती है, तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है। ये जूस जो है अभी ठंडा है, और जूस तो हमेशा ठंडा ही मिलता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं मिलता, और मुझे ये नॉर्मल टेम्परेचर में चाहिए। ये ठंडा ठंडा मैं ऐड नहीं कर सकती, तो अभी मुझे इसको थोड़ी देर रखना पड़ेगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब मैं इसको यूज़ करूँगी। वही टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू को ड्राई रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट करने पे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे है 250 ग्राम ब्लैक रिजन्स जो कि मैंने अच्छे से धो लिया है, और ये है डेट्स। इसके इसमें से मैंने सीड्स निकाल दिया है और डेट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया है। यहाँ पे सिम्बा अपना मेडिसिन खा रहा है, तो मैं वो पाउडर ये पैलेट के साथ देती हूँ ना, ये एक्चुअली वेपर है तो वो अभी खा रही है। और यहाँ पे मैंने ब्राउनी को थोड़ी देर के लिए लॉक किया है ताकि वो ये मेडिसिन वाला ना खा ले। और ये जो ऑरेंज जूस है ये अभी नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, तो मैं अभी ये डेट्स और रिजन्स को इसमें सोक कर दूंगी। लास्ट फ्राइडे को मैं कह रही थी ना कि मेरा और सौरभ का कुछ अलग अलग प्रोग्राम बना है। नॉर्मली फ्राइडे को हम लोग कहीं पे घूमने चले जाते हैं या साथ में ही टाइम गुजारते हैं, लेकिन लास्ट फ्राइडे को प्लान बना था कि सौरभ अपने दोस्तों के पास जाएगा और मैं शायद बाहर कहीं जाने वाली हूँ या फिर घर में बैठ के क्राफ्टिंग का काम करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्ट फ्राइडे को सौरभ का प्लान कैंसिल हो गया और हम लोग चले गए थे मूवी देखने। लेकिन आज भी फ्राइडे है, आज सौरभ का फिर से वो प्रोग्राम बन गया और वो अभी दोस्तों के वहाँ चला गया है। और मुझे वो कह के गया था आज तुम चाहे वो क्राफ्टिंग का काम कर सकती हो या फिर तुम कहीं घूम के आओ, घर पे बैठे बैठे क्या करोगी। सुबह सुबह आज मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं, तो अभी क्लीनिंग मॉपिंग डस्टिंग जो भी है सब मैंने कर लिया। लंच ऑलरेडी बना हुआ है तो लंच टाइम पे मैं लंच कर लूंगी और उसके बाद सोच रही हूँ कि बेकिंग करूंगी। और अभी मैं कुरूप देखने वाली हूँ। कल मैंने थोड़ा सा देखा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो। अब देखते हैं बाकी का, मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि मूवी कैसा है, तो वो देखूंगी। और सोच रही हूँ कि मूवी चला के ना सिम्बा ब्राउनी के साथ खेलूंगी, एक तरफ मूवी चलेगा मेरे लैपटॉप पे और उनके साथ भी थोड़ा खेलती रहूंगी, उन्हें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। मूवी तो मैं पूरा देख ही नहीं पाई, कब सिम्बा ब्राउनी के साथ खेलते खेलते मूवी देखते देखते मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर अचानक से वो ब्राउनी आके मुझे ऐसे ऐसे करके चाट रहा है मेरे गालों पे और मैं ऐसे जाग गई हूँ। फिर मैंने देखा अरे ये तो काफी वक्त हो गया, कहाँ मैं सोच रही थी कि 2 घंटे के लिए सोक करूंगी, अभी ऑलरेडी 2.5 आवर हो चुका है। तो अभी मैं बेकिंग शुरू करने वाली हूँ, इससे पहले कि मैं सारी केक जो है उसका बैटर वगैरह बनाऊँ, सबसे पहले मैं अवन को प्री हीट करने के लिए रख दूंगी।
यहाँ पे है ये 2/3 कप शुगर 185 ml, 100 ग्राम बटर, ये अनसॉल्टेड बटर है, 1/4 कप ऑयल, यहाँ पे मैं कनोला ऑयल यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 eggs, 2 tablespoon करीब मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। बस अभी इसका मैं एक मिक्स बना लूंगी। ये रेजिन्स सोक करके रखा है ना, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑरेंज जूस है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ध्यान से करना है इसको, आप चाहते इसको स्ट्रेन भी कर सकते हो, क्योंकि अभी रेजिन्स इसमें गिरना नहीं चाहिए। अब इसको मैं फिर से थोड़ा मिक्स करूंगी। लिक्विड वाला पार्ट तो डन है, अभी मुझे ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि केक मिक्स एक बार रेडी होने के बाद तुरंत बेक होने के लिए देना चाहिए, तो मैं पहले केक टिन को रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं मिक्स बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे केक टिन में पर्चमेंट पेपर लगा दिया है। पर्चमेंट पेपर लगाने पे ना, अगर आप बटर या ऑयल से ग्रीस नहीं करते तब भी चल जाता है, तो केक नीचे से चिपकेगा नहीं। तो ये तो रेडी है, अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से अपना केक मिक्स। यहाँ पे है 2 कप्स मैदा, ये मैंने कप से प्रॉपर मेजर करके रखा है, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 teaspoon सिनेमन पाउडर, 1/2 teaspoon नटमेग पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। और अभी इसको करना है मिक्स। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ये भिगाया हुआ रेजिन्स एंड डेट्स। बस ये मिक्स रेडी हो चुका है, अब मैं करूंगी बेक। ये केक बेक हो चुका है, इसका कलर तो काफी अच्छा आया है, साइड से थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हुआ है पर चलता है, इतना तो चलता है, और थोड़ा ऐसा ब्रेक भी हुआ है, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, उससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। केक्स को मैंने टिन से बाहर निकाल लिया है और ये काफी डार्क कलर आया है इसका। और यहाँ पे है ऑरेंज जूस, मैं अभी इसमें ना थोड़ा और ऑरेंज जूस ऊपर से ब्रश करूंगी ताकि ये सोक कर ले और केक जो है और सॉफ्ट बन जाए। जो केक बेक किया है ना वो मैंने पड़ोसी को भी दिया और नीचे सिक्योरिटी गार्ड को, अभी हम जो निकलने वाले हैं तो जाते वक्त दे के जाएंगे। लाओ तो मेरे लिए, लाओ मेरा किधर है। नहीं, कल तो जो हमारे लिए रखा है वो वाला कट होगा, लेकिन अभी जो मैंने सबके लिए दिया है ना वहाँ से तुम्हारे लिए देखो थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, अभी खा के बताओ। और आप लोगों को तो पता ही है सौरभ खाने पीने के लिए कितना चिक चिक करता है और कितना कितना बड़ा क्रिटिक्स है। तुम अच्छा बोल रहे हो, मतलब अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो हमेशा सेल चलता रहता है 75-25%। हम लोग देख रहे हैं नया फोन और उसका कैमरा क्वालिटी चेक कर रहे हैं, और ये है गैलेक्सी S21। अपग्रेड कर ले क्या 20 से 21? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही 22 आ जाएगा। हाँ देखते हैं, कुछ दिन और रुक जाते हैं उसके बाद देखेंगे, अभी तक तो मेरा वाला ठीक है। 22 में हम 22 लेंगे। हाँ आज हम दोनों फिर से सारा सेंटर आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी मातलन। मुझे एक्चुअली कुछ प्लांटर देखना है, वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे प्लांटर का कलेक्शन है, थोड़ा प्राइस है उसमें, मतलब प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं अगर कुछ लो प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि सेल वगैरह भी चल रहा है, देखना पड़ेगा।
ये ड्रेस कितना खूबसूरत है ना। वाओ, डोरेमोन कुछ बोल रहा है। टच करने के लिए मना किया है। प्लीज डोंट टच मी। डोरेमोन डोरेमोन। अब डोरेमोन बोलेगा क्या है नोबिता। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। इसके अंदर देखिए इंटीरियर, ये ट्रेन है, ट्रेन इंडिया, वो भी हाँ इंडिया वाला ट्रेन है। चलो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। व्हाट इज दैट, शोरानूर जंक्शन। और इंडियन गांव में जैसे छोटे छोटे दुकान होते हैं ना नुक्कड़ पे, वैसे ही वाला है ये। हम लोग आज खाना खाएंगे ये ट्री हाउस के ऊपर। बहुत अच्छा व्यू है, हर तरफ दिख रहा है, उधर ट्रेन, इधर जो केरला का स्पेशल जो बोट होता है, हाउस बोट वो है। मैं तो पहले सोच रही थी कि हाउस बोट के अंदर जाके बैठूं। हाँ ट्रेन में भी बैठ सकते थे हम चाहें तो। ट्रेन में तो खिड़की से भी देखो बाहर वो सीनरी भी चल रहा है, मतलब लगेगा सीरियसली कि ट्रेन में है बैठे। खिड़की में वो सीनरी भी चेंज हो रहा है। एकदम टॉप में आके हम लोग बैठ तो गए, लेकिन लाइट कहाँ से आ रहा है पता है? ये देखो, ये मंकी हमारे लिए लाइट पकड़ा हुआ है कि हम खा सके, अंधेरा ना हो। थैंक यू मंकी। सौरव अभी जा रहा है हाथ धोने, मैं उसे बोल रही हूँ वो जो नीचे नदी है ना उसमें हाथ धो के आओ, तो बहती हुई नदी में हाथ धो लो। नदी नहीं, वो लेक है, लेक। हम लोग लिटरली देखो कहाँ पे।
सारा हेल्थ केयर सिटी है, तो अगर आप विजिट करना चाहें तो इट्स एन ऑसम इंडियन ऑथेंटिक साउथ इंडियन एक्चुअली। हाँ, और इनका इंटीरियर बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, आपको लगेगा आप इंडिया पहुँच गए हो। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, सीरियसली। इसको बोलते हैं दुबई, है ना? दुबई मतलब कार। ये पोलारिस लिखा हुआ है, बट आई रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कार इज दिस। या कोई रेसिंग कार ही होगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। देखो इतना महंगा गाड़ी, लेकिन बैठ सकते हैं सिर्फ दो, बाकियों के लिए जगह नहीं है। दैट्स बिकॉज़ दिस इज अ रेसिंग कार। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही हम लोगों ने एक धासु कार देखा। अब वो कौन सा ब्रांड है, क्या कार है, हमें तो उतना नहीं पता, बस डिजाइन देख के इतना समझ जाते हैं कि रेसिंग कार है। तो सौरभ बोल रहा था कि वो कौन सा कार है, कुछ पोलारिस करके लिखा हुआ है, तो मैं ये बोल रही थी पोलारिस है हो या चाहे कुछ भी हो, डिजाइन से तो लग रहा है ये फरारी का कोई कजन वजन होगा। जिस टाइप का प्लांटर ढूंढने में गई थी ना मातारन, मुझे मिला तो, लेकिन एक्सपेंसिव था, मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम लोग दूसरी जगह गए, प्लांट्स लिया, रेस्टोरेंट में खा के चले गए, घर आके फिर खाने का मन नहीं किया, और रेस्टोरेंट का एम्बियंस देख के एक्चुअली चले गए। अभी हम पहुंचे नहीं हैं। हाँ, बस लिफ्ट में है, अभी हवा में है, अभी पहुंचे नहीं। खाने का भी मन नहीं करेगा। अभी काफी रात भी हो चुकी है लौटते लौटते। सो हम लोगों ने प्लांट्स और थोड़ा सा प्लांटर भी लिया है, वो ना मैं कल दिखाऊंगी, और ये वाला व्लॉग मैं ये पेंट करती हूँ, तो वही व्लॉग के साथ तक के लिए बाय, लव यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज और व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो सकता, सीरियसली बहुत रात हो चुकी है अभी, और एनर्जी बाकी नहीं रही।